नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाशुलेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुधकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए सबसे पहले बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। टाटा मोटर्स पर आज रहेगा फोकस, क्योंकि उन्होंने 3 कमर्शियल व्हीकल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। नई सीरीज बाजार में आई है, क्या मतलब है इसका कंपनी के लिए, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। लिज ट्रस अब ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री होने वाली है, क्या मतलब है इसका भारत के लिए और भारतीय इकोनॉमी के लिए, ये भी समझेंगे। और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी शो में करेंगे शामिल। और आज हफ्ते के पहले दिन हमने देखा बाजार तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 126 अंक चढ़कर 17,666 पर बंद हुआ और सेंसेक्स में हमने 443 अंकों की बढ़त देखी। ये 59,246 पर जाकर बंद हुआ। साथ ही मेटल, बैंकिंग, मीडिया शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। दिन भर बाजार में और किस तरह का एक्शन रहा, बताने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। आज मार्केट के दिन काफ़ी बेहतर रहा और इसने 17,650 के ऊपर जो क्लोजिंग दी है, ये अपने आप में रिलायंस की बदौलत मिली है। आज रिलायंस, ICICI बैंक, HDFC और इसके अलावा ITC से कई दिग्गज शेयर चले, इसने आज निफ्टी को अच्छा क्लोजिंग दिया। बैंक निफ्टी में भी आज 12 में से करीब 10 से ज़्यादा बैंक ऐसे थे जो कि हरे निशान में आके बंद हुए, तो बैंक निफ्टी ने भी ज़्यादा बढ़त दिखाई। और अगर आप जल्दबाजी में पूछेंगे तो बैंक निफ्टी शायद 40,000 पहले पहुँच जाए बैंक निफ्टी के मुकाबले, जो कि 18,000 की तरफ देख रहा है इस समय। खैर, मैं थोड़ा और स्पीड से आगे बढ़ रहा हूँ। आज के जो सेक्टर्स हैं उसमें आप मीडिया आज चलता हुआ दिखा हमको काफ़ी ज़ोर से, सरकारी बैंकों के अंदर आज अच्छी खरीदारी थी। इसके अलावा मेटल इंडेक्स जा उसके अंदर भी हमको अच्छा मूवमेंट हमको आते हुए दिखा। ये 3 ऐसे सेगमेंट्स हैं जो आज मार्केट के अंदर काफ़ी ट्रेंडिंग रहे, काफ़ी बढ़त वाले रहे। आज के जो टॉप गेनर्स थे उसके अंदर आप देखेंगे न्यूज़ के हिसाब से तो अनंतराज इंडस्ट्रीज के अंदर मोमेंटम आया है, रेलवे के साथ मिलकर कामकाज कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है और साथ ही JSW स्टील पे LIC की जो होल्डिंग्स बढ़ी है करीब 2% का, इन सब का बेनिफिट आज पर्टिकुलर इन शेयर्स पे बनता हुआ दिखा। आज का जो टॉप गेनर्स था निफ्टी का वो था मेटल्स में से, जो कि पुलबैक्स के साथ हिंडाल्को ने गेनरशिप दिखाया। हिंडाल्को, JSW स्टील, ITC, सन फार्मा, इन सब के अंदर बढ़त 1.5 से 2.5% 3% से कहीं ज़्यादा की बनती हुई दिखी। तो आज के निफ्टी के सबसे ज़्यादा तेज़ी से चलने वाले शेयर्स बने। निफ्टी के लूजर्स भी आपके स्क्रीन पर आएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे बजाज ऑटो, नेस्ले, ब्रिटानिया ऐसे शेयर्स आज कमज़ोर थे। टाटा मोटर्स भी चल नहीं पाया, हालांकि इनके कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर काफ़ी बस था मार्केट के अंदर, लेकिन ये भी करीब 2.5 रुपये नीचे ही जाके बंद हुआ है। आते हैं मिड कैप यानी कि छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में, वहाँ पे सुजलॉन, विक्रांगी जैसे शेयर्स जो कि थोड़े लो बीटा शेयर्स हैं और इसके अंदर वॉल्यूम कम रहता है, ये शेयर्स काफ़ी ज़ोर से आज चले। दोनों के अंदर बकायदा 20% का सर्किट लगा। त्रिवेणी टर्बाइंस और TI इंडस्ट्रीज जैसे शेयर्स में भी आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमको बनते हुए दिखा। लूजर्स की अगर आप कैटेगरी चेक करें तो वहाँ पर आपको GE शिपिंग, ग्लैंड फार्मा और साथ ही वी मार्ट ये शेयर आज पिटते हुए दिखे। बायोकॉन के एक साथ में एक और कंपनी है जो कि रिसर्च में ही है, सिंजिन, वहाँ पे भी करीब 15 रुपये का नुकसान के साथ ये भी आप मिड कैप श्रेणी की टॉप लूजर्स बन गई। आज इसी कैटेगरी में जो साल का हाई लगा जिन शेयर्स ने लगाया वो था त्रिवेणी टर्बाइंस का, शेफलर इंडस्ट्रीज का और साथ ही करूर व्यासा बैंक, ये वो बैंक्स थे, वो शेयर्स थे जिन्होंने आज साल का हाई लगाया। तो कुल मिला के मार्केट्स के अंदर आज 1300 एडवांसेस के साथ आज बाजार की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी रही। बिल्कुल, तो हफ्ते की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही है बाजार के लिए। 125 पॉइंट ऊपर जाकर निफ्टी बंद हुआ है, यहाँ से आगे चाल कैसी रह सकती है? मेरे दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ, रवि सिंह और किरण जानी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। किरण, आपने आज के बाजार के मूव को कैसे रीड किया? क्या लगता है कि जो तेज़ी शुरू हुई है इस हफ्ते की शुरुआत में वो इस पूरे हफ्ते जारी रह पाएगी? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से मार्केट का मूवमेंट था एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मार्केट सुबह से खुलते ही आप ब्रॉडर मार्केट देखोगे मिड कैप स्मॉल कैप वो काफी पॉजिटिव साइड पे टेरिटरी पे ट्रेड कर रहे थे। सो वी वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि एक बार के लिए 17,600 का जो रेजिस्टेंस है जिस तरह से कॉल राइटिंग हुई थी तो उसके ऊपर जैसे ही मार्केट सस्टेन होगा सो वहां से 100 से 150 पॉइंट की एक अपसाइड रैली आनी चाहिए। और सिमिलर ट्रेंड के ऊपर हमने देखा कि 17,700 तक आए। तो अब कल के लिए अगर हम बात करें तो वापस ओपन इंटरेस्ट वाइज अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं 17,700-17,800 एक मेजर रेजिस्टेंस है। साथ ही साथ आप डॉलर इंडेक्स देखोगे तो वो अपने 20 इयर्स हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। US मार्केट बंद था सो कहीं ना कहीं अपने मार्केट में थोड़ा रिलीफ था और हम देख रहे हैं कि ऊपर की साइड में ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशनल बाई है, जब तक 17,800 के ऊपर डिसाइसिव क्लोज नहीं आएगा तब तक हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। सो यहाँ पे अब कोई फ्रेश हमें तेजी नहीं करनी है। अगर आपके लॉन्ग पोजीशन है तो 17,700-17,800 के बीच में एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए और देखिए कि 17,700-17,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो ही फ्रेश आप तेजी कीजिए या तो फ्रेश बाई कीजिए, नहीं तो फिर वेट एंड वॉच कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट यहाँ पे और तेजी से चल सकती है तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक बाई सेल पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन इंडेक्स।
बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी 40,000 का एक लेवल जो लेवल है वो रेजिस्टेंस के नाते एक्ट कर सकता है साइकोलॉजी एज वेल एज आप अगर ओपन इंटरेस्ट स्टडी देखोगे तो 1,20,000 ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे खड़ा है 40,200 में भी आप देखोगे तो 46,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है सो कहीं ना कहीं इस एक्सपायरी के लिए 40,000 40,200 वुड बी द सप्लाई जोन जब तक मार्केट उसके ऊपर नहीं जाता है कोई फ्रेश बाय हमें यहाँ पे तेजी नहीं करनी है वी विल वेट के वो लेवल के ऊपर जाए तो जो भी प्रॉफिट है उसमें आप ट्रेल स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं फॉर द सेम टारगेट ओके तो 17,800 ये वो लेवल है यहाँ पर निफ्टी के लिए अहम जिसके ऊपर अगर डिसाइसिव क्लोजिंग होगी तो लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। फिलहाल अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन हैं तो 17,700 से 17,800 के बीच में आप कुछ प्रॉफिट घर ले जाइए तो ही बेहतर होगा। ये है ट्रेडर्स के लिए एडवाइस यहाँ पर किरण की। लेकिन एक बड़ी खबर जो आज शाम को आई वो ये कि लिज ट्रस जो है वो ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री चुन ली गई हैं, वो बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी। उन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को करीब 20,000 वोटों से हरा दिया है। पहले 5 राउंड के मुकाबले में ऋषि सुनक को भारी बढ़त हासिल थी लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स की अंतिम वोटिंग के दौरान लिज ट्रस ने जीत हासिल कर ली। मंगलवार को यानी कल लिज ट्रस का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। लिज ट्रस की जीत के क्या मायने हैं, चुनौती के दौर में ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों में कितना बदलाव आएगा, ट्रस की इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, इन सभी मुद्दों पर डिटेल से समझा रहे हैं मेरे सहयोगी शिरंजॉय चौधरी। बोरिस जॉनसन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रिजाइन किए थे बहुत दिन पहले, उसके बाद लड़ाई चला कौन बनेगा प्रधानमंत्री ब्रिटेन का। अब आंसर फाइनली आ चुका है और ऋषि सुनाक को हरा के लिज ट्रस अभी प्राइम मिनिस्टर बनेगी कई दिन में, कल। बात यह है लिज ट्रस 80,000 वोट लिज ट्रस को मिला और ऋषि सुनाक जो कॉन्टेस्ट किए थे उनके खिलाफ 60,000 मिला, तो इसको कंफर्टेबल विक्ट्री कहते हैं। लेकिन लिज ट्रस का बहुत सारा चैलेंज रहेगा। एक तो है इन्फ्लेशन, बहुत ही ज़्यादा है इन्फ्लेशन। सेकंड जो प्रॉब्लम है ये एनर्जी प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा है ब्रिटेन में और ज़्यादा होने और भी ज़्यादा होने वाला है, तो सब कोई गुस्से में है। और लिज ट्रस कहे भी हैं वो ये कॉम्बैट करेंगे, कुछ करेंगे इसके बारे, लेकिन देखने पड़ेगा क्या करें। इसके बाद सिचुएशन जो है इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शन होने वाला है पार्लियामेंट्री इलेक्शन, वहाँ लेबर पार्टी जो अपोजिशन में है थोड़ा आगे है ओपिनियन पोल में। अभी देखने पड़ेगा लिज ट्रस क्या कर सकते हैं दैट विल लीड टू हर विक्ट्री। दीज आर मेजर चैलेंजेस, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस है। अब देखने पड़ेगा कैसे लिज ट्रस ये हैंडल करें और उसके बाद एक साल बाद जो इलेक्शन होगा उसमें क्या हो। रवि, आपने डेवलपमेंट आप फॉलो करते हैं ग्लोबल में जानता हूं, तो यहां पर अगर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी हुआ है कि लिज ट्रस को जो प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया है, क्या मायने आप देखते हैं इस समय? पूरे यूरोप में हम देख रहे हैं समस्याएं इस समय, इन्फ्लेशन की भी है, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है वहां पर, इस सब के बीच में यूके को एक नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, क्या क्या व्यू आपका बनता है फिलहाल? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे बड़ी बात है कि दो चीजें भारत में अगर बात की जाती है तो ये बात की जाती है कि रोटी कपड़ा और मकान, और वहां पर अगर इस समय देखा जाए तो चर्चा चल रही है एनर्जी, इन्फ्लेशन और अनस्टेबिलिटी। ये दोनों चीजें, तीनों चीजें आपको यूरोप में सबसे ज्यादा दिखाई देंगी। और खास तौर से जो सबसे बड़ी परेशानी है, जो आम आदमी वहां का परेशान है, वो पावर की प्राइसेस से ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसके प्राइसेस लगभग 40% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, इंडस्ट्री भी सर्वाइवल यहाँ पर झेल पाना बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चीजें आसान है, यहाँ पर अच्छी चीजें नहीं है। तो ये सारी तीनों कॉम्बिनेशन अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि अभी इस समय के जो सेंटिमेंट है उसमें यूरोप को इससे बाहर निकलना ये थोड़ा सा टफ चैलेंज होगा। और इकोनॉमिक रिसेशन में यहाँ पर बात करें, चाहे वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हो, खास तौर से जो इन्फ्लेशन को लेकर के यूएस के स्टेप्स हैं, उसका जो साइड इफेक्ट है वो यूरो जोन में काफी देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि बड़े चैलेंजेस हैं और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी शायद यहाँ पर थोड़ी और बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि पॉलिटिकल सर्टेनिटी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, स्ट्रांग हैंड पे नहीं है। तो ये चैलेंजेस काफी हद तक जो है वो यूरो जोन को परेशान कर सकते हैं।
करेंट चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं इस समय पूरे यूरो जोन के लिए। इस बीच नई प्रधानमंत्री तो मिली है यूके को, अब देखना होगा कि उनकी पॉलिसीज किस तरह से इस बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को और एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए काम कर पाती हैं। चलिए हम लौटते हैं वापस भारतीय बाजारों का रुख करते हैं, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टाटा मोटर्स की आज, जहां पर इन्होंने आज 3 कमर्शियल व्हीकल प्लेटफॉर्म के साथ सीएनजी ट्रक और एडीएएस सिस्टम लॉन्च किया है। मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ रही है मेरे साथ पूरे अपडेट के साथ। सृष्टि बताइए। तो इसी ना स्वदेश की टीम है मुंबई में, जहाँ पे टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का एक इवेंट है, जहाँ पे कंपनी ने फिलहाल तो 14 जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो शोकेस किए हैं, बट इन ऑल 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे कंपनी ने लॉन्च किए हैं, जिनका नाम है अल्ट्रा, सिग्मा और प्राइमा, जहाँ पे वो मानते हैं कि आने वाले 140 मॉडल्स जो हैं अपग्रेड होते हुए नजर आएंगे। जितने भी मॉडल्स हैं यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन फोकस किया गया है इनके सभी प्लेटफॉर्म में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट है वो ड्राइवर सेफ्टी और ड्राइवर असिस्टेंस है, क्योंकि सबसे पहली बार कंपनी ने यहाँ पे ADAS लॉन्च किया है, जो कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम है, जहाँ पे अगर ड्राइवर को नींद आ जाती है तो वो गाड़ी बताएगी कि आप जाग जाओ, और इससे लेकर जो ड्राइवर सेफ्टी है उसको लेकर जितने भी फीचर्स थे वो कंपनी अपग्रेड करती हुई नजर आई है। दूसरा एक जो की फोकस एरिया रहा है कंपनी का वो है CNG सेगमेंट में। यहाँ पे इन्होंने मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल में अपना CNG वेरियंट भी लाया है, और ये मानते हैं कि जो अल्टरनेटिव फ्यूल टेक्नोलॉजी है उस पर आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा फोकस होगा। EV को लेकर भी टाटा मोटर्स का फोकस तो बरकरार है, पर इस इवेंट में आज उन्होंने CNG लॉन्च भी किया है। रवि, CNG के साथ यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल्स लॉन्च किए हैं टाटा मोटर्स ने आज, क्या लगता है आपको, धीरे धीरे जो है पेट्रोल डीजल से बाहर निकलकर CNG की तरफ फोकस किया जा रहा है? पैसेंजर व्हीकल्स में तो खैर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ फोकस हो रहा है, टाटा मोटर्स पर क्या व्यू बनता है इस नए डेवलपमेंट के बाद? सौमित जी, खास बात टाटा की यहाँ पर ये रही कि पहले उन्होंने अपने जो पैसेंजर व्हीकल है, जो एक इंडिया ग्रोथ स्टोरी के साथ में जिस तरीके से नए नए मॉडल लॉन्च किए, जो टाटा की जो जनरल गाड़ियां हैं उस पे जो ड्रास्टिक चेंज किया उसका इम्पैक्ट आपने देखा, और टाटा की सेल्स काफी इंप्रूव हुई। अब यही सेम चीजें आपको कमर्शियल व्हीकल पे देखने को मिल रही, और इसी वजह से इन्होंने 3 सेगमेंट जो लॉन्च किया, अल्ट्रा, सिग्मा, प्राइमा, इसमें ये फोकस ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर टाटा को देखा जाए तो जिस तरीके से आगे का बिजनेस ग्रोथ है, जो एनर्जी के सोर्सेज है या जिस चीज की जरूरत है उसको लेकर के नए नए डेवलपमेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे, तो टेम्परेरी बेसिस पे आपको स्टॉक में कोई मूवमेंट बढ़े ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन आने वाले समय में टाटा की ये ग्रोथ पे काफी सपोर्ट देगा। हालांकि टाटा के नंबर्स या फिर ऑटो इंडस्ट्री का जो भविष्य है वो काफी इजुअल है, तो मुझे लगता है कि अपसाइड का मोमेंटम अगर देखते हैं या फिर एक साल के हिसाब से अगर आप व्यू रखते हैं, 6 महीने का व्यू कम से कम आप पकड़ के चलते हैं, तो 520-550 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि अभी की वैल्यूएशन के हिसाब से एक अच्छे रिटर्न है, मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए रिटर्न है। तो ये मौका इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा है कि इस तरीके के चेंजेस और फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी, तो यहाँ पर आप अपने जो पोर्टफोलियो उसमें ये ऐड ऑन कर सकते हैं, और ये टाटा मोटर के लिए भी लॉन्ग टर्म पे काफी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। चलिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव खबर है, तो इसको आप अपने इन पोर्टफोलियो में कर सकते हैं शामिल, ये फायदेमंद दिखाई देगा। लेकिन किरण, मैं आपसे बड़ी ऑटो कंपनियों की जगह आज ऑटो एंसिलरीज पे सवाल पूछूंगा। आप नजर डालिए एक्साइड इंडस्ट्रीज पे, करीब 7-7.5% ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ है। अमारा राजा बैटरीज 5.75%, ये जो दोनों ये बैटरी स्पेस की कंपनियां हैं इसलिए अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, या कोई स्पेसिफिक रीजन है? आपको लगता है कि ऑटो एंसिलरी में ज्यादा एक्शन है, वहां पर फोकस करना चाहिए ट्रेडर्स को? तो जब ऑटो में एक रैली स्टार्ट हुई, ऑटो के रैली के बाद हमने देखा कि टायर स्टॉक में लेट आफ्टर रैली स्टार्ट हुई। सेम वे अगर मैं बैटरी की बात करूँ, तो ऑटो बैटरी या टायर के बिना तो चलेगा नहीं कोई, फिर ऐसा नहीं है कि ईवी है तो ही बैटरी चाहिए, नॉर्मल गाड़ी में भी बैटरियां लगती है। सो ऑटो में इतनी बड़ी रैली आने के बाद, कंसिडरिंग एज एन ऑटो एंसिलरीज पार्ट, डेफिनेटली इसमें रैली पेंडिंग है, ओवरड्यू जो एक लॉन्ग रन बुल रन हमें देखना है वो भी बाकी है। सो ओवरऑल एक्साइड और अमर राजा दोनों की मैं बात करूँ, तो एक्साइड में जिस तरह का चार्ट पैटर्न हमें डेली चार्ट के ऊपर दिख रहा है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है, साथ ही साथ अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और एक इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट भी है। सो एक्साइड कोई भी गिरावट आती है करंट मार्केट प्राइस से भी आप लॉन्ग कर सकते हो, थोड़ा पोजिशनल व्यू रखिए आप, अगेन इस स्टॉक को 200 के आसपास निकलता हुआ देखोगे, और जिसके लिए आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 160 का रहेगा।
अमर राजा बैटरी की मैं बात करूं तो ओवरऑल 1026 का हाई बनाने के बाद स्टॉक कंटिन्यू 2021 से एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। रिसेंटली हमने बात की थी, अच्छा खासा बेस बना है 450 के आसपास, अब उस बेस में से निकल रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्लस साथ ही साथ कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। एक्साइड अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अमर राजा अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। फिर भी सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है, कोई भी गिरावट यहाँ पे भी आती है तो 520 के स्टॉप लॉस से आप पोजिशनली बाई कर सकते हो, और जिस तरह का ब्रेकआउट है वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 600 काइंड ऑफ टारगेट इन अपकमिंग 10 to 15 डेज। के टारगेट अमर राजा बैटरी में 6 से 10 दिन में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर अभी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, वहाँ पर खरीदारी के साथ ही चल सकते हैं। रवि, एक स्पेस और जो काफ़ी एक्शन में था आज, वो था यहाँ पर कमोडिटी का प्ले जो है, हिंडाल्को, JSW स्टील, ये सारे स्टॉक जो है आज करीब 3-3, 4-4% जाकर ऊपर बंद हुए हैं। क्या बदल रहा है इस पूरे स्पेस में, कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्टील सेगमेंट जो पूरा था, जिसमें कमोडिटी के प्राइसेस जो है वो 40-50% बढ़े हुए थे, और हाल फिलहाल में अगर देखते हैं तो ये करेक्शन 40% से कहीं ज्यादा देखने को मिला है। खासतौर से रॉ मटेरियल कॉस्ट, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, निकल, इन सभी के प्राइसेस जो है वो एवरेज ऑन गिरे हैं लगभग 25-30%। तो ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड अभी सेम खड़ी हुई है, और इस समय जैसे टाटा स्टील की बात कर लें, सेल की बात कर लें, या फिर JSW स्टील की बात कर लें, तो पूरा स्टील सेगमेंट इसीलिए आपको पॉजिटिव ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने पीछे जो ऊपरी लेवल पर स्तर पर बाय किया था, उनके लिए थोड़ा रुकने का भी मौका है, और ये ऐसा मौका है जहां पर अगर आपने इन स्टॉक, जिन स्टॉक से मैंने नाम लिए, अगर आपने खरीदारी में डिले किया है तो आपके लिए थोड़ा सा एवरेज करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये रैली अब वापस से आपको ऊपरी लेवल तक दिखाई देगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं तो कम से कम 25% की रैली आपको इन लेवल से 3 महीने में देखने को मिल सकती है, चाहे हिंडाल्को की बात कर लीजिए, टाटा स्टील की बात कर लीजिए, वो अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर काफी स्ट्रांग बनता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि जो रॉ मटेरियल और कमोडिटी प्राइसेस घटे हैं उसका सीधा फायदा इन कंपनीज को आगे आने वाले समय में ज्यादा देखने को मिलेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर पे भी उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। तो आपके लिए ये एक अच्छा और सुनहरा मौका है इस तरीके का करेक्शन पे एवरेज ऑन करने का। चलिए, एवरेज ऑन करने के लिए अच्छा मौका है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी काफी दिखाई देती है। आज हमने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी बाजार को काफी सपोर्ट मिला, मॉर्गन स्टैनली के लक्ष्य बढ़ाने से शेयर करीब 1.5% ऊपर जाकर बंद हुआ है। वहीं ब्रोकरेजेस ने 2027 तक इस कंपनी का मुनाफा 2 गुना होने की उम्मीद जताई है। मेरे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ रहे हैं मेरे साथ पूरे अपडेट के साथ। सौमित, बताइए। तो अगर आप देखेंगे तो आज के रिपोर्ट में मॉर्गन स्टैनली ने अपना जो ओवरवेट रेटिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे वो बरकरार रखा है, और उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो मार्जिनली हाइक कर दिया है। पहले का टारगेट प्राइस था 3015 रुपीज़ का, उसको बढ़ा के अब उन्होंने 3085 रुपीज़ कर दिया है। अब मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहा है इस रिपोर्ट में, वो कह रहे हैं कि जो फोर्थ इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है कंपनी ने जो अनाउंस किया था इस AGM में, इसके वजह से जो कंपनी का प्रॉफिट्स है वो डबल हो सकता है 2027 तक, मतलब अगले 5 साल में ही कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो डबल हो जाएंगे। अब ये जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है, हमने पहले भी काफ़ी टाइम देखा है कंपनी ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट साइकिल्स अनाउंस किए हैं, और हर बार इन्वेस्टमेंट साइकिल अनाउंस करने के बाद कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है या जो वेल्थ क्रिएशन होता है किसी शेयर होल्डर के लिए वो 2-3 times हो चुका है पिछले 20 सालों में मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से। अब इस केपेक्स साइकिल में क्या अलग है पहले के केपेक्स साइकिल से मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से, अगर आप देखेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम जो कंपनी का जो लेवरेज रेशियो है काफ़ी बेहतर है पहले से, कि जो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी कंपनी ने दिया है वो भी काफ़ी बेटर है पहले के कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी से। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी होगा जहाँ पे वो फ्यूचर ग्रोथ प्लान कर रहे हैं वो कम होगा उन सेगमेंट्स में, और ये 3 कारणों की वजह से मॉर्गन स्टैनली काफ़ी बुलिश हो चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी उनका टॉप पिक है इंडिया में आज के डेट पर। ओके, तो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली काफ़ी बुलिश है लंबे समय के लिए, नज़रिया पॉजिटिव रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर, और इसमें अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद। लेकिन कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा और वहाँ पर कौन से स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए, जानते हैं मेरे मेहमानों से। वक्त है VIP शेयर्स का। किरण, पहले आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए कल के ट्रेडिंग सेशन में कहाँ पर फोकस होगा आपका? हमारे 2 पिक रहेंगे, एक बाय और एक सेल साइड के ऊपर। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा सेल साइड का पिक है। हमने देखा कि 98-99 से वन साइड रैली 122 तक की दी है, उसके बाद स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था। अब वहीं पे लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये डबल
टॉप पैटर्न जो कहते हैं उसमें से एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है 116 के आसपास, स्टॉक प्राइस 114 के आसपास की क्लोजिंग है। कोई भी उछाल इसमें आता है तो हम शॉर्ट करके चलेंगे 115 तक के लेवल में। हमारा जो टारगेट है वो एक से दो दिन में 107 तक का दिख रहा है और एज अ स्टॉप लॉस हमें 119 मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो केईआई इंडस्ट्रीज है। यहाँ पे अगर हम देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें 1430 के आसपास मिला था, उसके बाद दो दिन में स्टॉक 1500 तक की रैली देखा है, वहां से वापस एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है और लोअर टाइम फ्रेम में अब जिस तरह के चार्ट है और आप डेली चार्ट पे भी देखोगे तो मोमेंटम इंडिकेटर हमें जिस तरह से बुलिश जोन में एक एक्सट्रीम जोन में दिखा रहे हैं। सो ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है, 1474 के आसपास की क्लोजिंग है, हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। इसमें भी दो से तीन दिन में हम 1765 तक के टारगेट देख रहे हैं और 1350 एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो एक बाय और एक सेल कॉल यहां पर, केईआई में कीजिए खरीदारी, टारगेट 1765 के आसपास, और इसके अलावा बिकवाली की सलाह यहां पर किरण की तरफ से आ रही है पीएफसी में, यहां पर आप सेल करके चल सकते हैं, टारगेट दिख रहे हैं करीब 107 तक के। रवि आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे? सौमित जी, मार्केट बढ़े या घटे लेकिन ये ऐसे स्टॉक है जो कि आपको कंटिन्यूअस रिटर्न देते हैं, चाहे आप आज के लिए लीजिए, कल काट दीजिए या कल रखिए, एक महीने बाद तीन महीने बाद काटिए। पहला स्टॉक है, आपने ऑटो सेक्टर की चर्चा की, अपोलो टायर। स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ 11 के ईपीएस पे 23 के पी रेशियो पे काम कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि तीन महीने या साल भर के हिसाब से देखें तो 14% कांस्टेंट ग्रोथ दिखाई है और स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम है। लॉन्ग टर्म पे 300 रुपए तक जा सकता है, इंट्राडे के हिसाब से देखें तो 260-265 के रेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मॉर्निंग में खरीदिए, इवनिंग में प्रॉफिट बुक कर लीजिए या फिर मॉर्निंग में खरीदिए, 3-4 महीने तक रखिए और अच्छे खासे 20% की रैली आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। दूसरा स्टॉक यहाँ पर बात करें तो वह है सन फार्मा। मार्केट में डिफेंसिव, मार्केट में अगर करेक्शन होता है तो भी ये स्टॉक बढ़ता है, अगर चढ़ता है तो थोड़ा स्टेबल रहता है लेकिन कॉन्स्टेंट ग्रोथ दिखाता है। यहाँ पर आपका आज जरूर बढ़ता हुआ नजर आया लेकिन अभी भी मौका है, 980 का टारगेट जल्द अचीव हो सकता है। नंबर्स का अट्रैक्शन यहाँ पर है, ट्रेडिंग के लिहाज से काफी अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है तो मुझे लगता है 860-850 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को भी आप पोर्टफोलियो में हो या फिर ट्रेडिंग में हो दोनों में शामिल कर सकते। चलिए, सन फार्मा, अपोलो टायर्स, ये दोनों में है बाय कॉल, आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों लिहाज से इन्हें पोर्टफोलियो में कर सकते हैं शामिल। बहुत बहुत शुक्रिया रवि और किरण समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए, कल की तैयारी को भी यही समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।